हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं भोजपुरी फैंस क्लब चैनल से, जानिए कौन है भोजपुरी का सबसे महंगा हीरो। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, समर सिंह, भोजपुरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय भोजपुरी रोवा लोग से गुनी हो रहा बाकी, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा, और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहान, हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा हूं आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। आज की रिपोर्ट में भैया हम आप लोग के बतावे जाएं कि हमने के चाहते सुपर स्टार लोग, हमने के भोजपुरी के हीरो लोग एगो फिल्म खातिर कितना फीस लेवे लालो, कितना रुपया लेवे लालो, ते एगो फिल्म करे लालो, उ लोग एगो फिल्म के चार्ज कितना बा, एकरे बारे में आजकल डिस्कशन कर लिए वीडियो में। आप लोग बता दी कि आजकल भोजपुरी फिल्मों के क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकल बा। फिल्म 100 मिलियन 150 मिलियन जो कि यूट्यूब पर क्रॉस हो जा रहा बनी सा देखल जाओ तो भैया यूट्यूब पर जितना भी भोजपुरी फिल्म बारी सा आराम से 1 करोड़ के व्यू क्रॉस कर जाता रही सा। मतलब कि वो छोट सुपरस्टार के फिल्म यदि यूट्यूब पर रिलीज होती है तो 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिल जा रहा बा। सिनेमा घर में भी अच्छा खासा कमाई हो रहा बा फिल्मन के। तो चलिए बात कर जाओ कि एगो फिल्म खातिर हमनी के सुपरस्टार जितना बड़े हीरो जितना बड़े भोजपुरी के कितना रुपया लेवे लालो, तो चलिए शुरू कर जाओ। तो सबसे पहले भैया हम आप लोग के बतावे जा रहा बानी गुंजन सिंह के बारे में। जी हाँ भैया, गुंजन सिंह के कई गाना आप लोग सुनले बन जा, खास तौर पर सैड सॉन्ग के बहुत ज्यादा डिमांड होला, सैड सॉन्ग के लोग इनकर दीवाना बा। तो आप लोग बता दी कि 2 से 3 गो फिल्म में काम कर चुके बड़े गुंजन सिंह जी, और एक उस फिल्म इनकर जो कि सिनेमा घर में रिलीज भी हो चुका भैया। तो आप लोग बता दिया कि गुंजन सिंह एगो फिल्म खातिर 3 से 5 लाख रूपया ले मिले। जी हाँ भैया, अब बात कर जाओ राकेश मिश्रा जी के बारे में। आप लोग बता दी कि राकेश मिश्रा जी के कई गो गाना आप लोग सुनने बन जा, कई गो फिल्म में काम भी कर चुकल बाड़े, और सिनेमा घर में भी इनकर फिल्म आप लोग के बीच में आ गिल भी आ। तो आप लोग बता दी भैया कि राकेश मिश्रा भी एगो फिल्म खातिर 3 से 5 लाख रुपया लेवे ले। अब बात कर जाओ भैया प्रिंस सिंह राजपूत। जी हाँ, भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार, सिंगर नाम भी है, इनका गाना आप लोग के बीच में नहीं किया, लेकिन कई गो फिल्म के शूटिंग कंप्लीट कर चुका बारे, और फिलहाल में कई गो फिल्म आ रहा भी मिशन पाकिस्तान, जगह में भोजपुरिया फैंस के अंदर क्रेज वाई फिल्म के देखे खाते। जी हाँ भैया, मिशन पाकिस्तान जो कि रिलीज होके जा रहा भैया, और इनका के एक्शन स्टार कहल जाला। जी हाँ भैया, इनका के एक्शन स्टार कहल जाला, और भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार बड़े। और आप लोग बता दी भैया इहो एगो फिल्म का 3 से 5 लाख रुपया ले मिले। बात कर जाओ माटी के खाटी कलाकार समर सिंह के बारे में। जिंगर धोबी गीत सिंह का पहचान मिलल, और भोजपुरी के इकलौते ऐसा सिंगर बारे जिंगर चैत के गाना भैया यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा लोग देखले बा, और बहुत ज्यादा भोजपुरिया दर्शक द्वारा इनका प्यार मिलेला। और इनका पहिरका फिल्म जो की विनाशक मुंबई और गुजरात में रिलीज हो चुकल बा, और आप लोग बता दिया की 10 गो से ज्यादा फिल्म पर साइन कर चुकल बारे, काहे की भोजपुरिया दर्शक हर एक्टिविटी जो की जानल चाहेले देखल चाहेला। तो आप लोग बता दी भैया कि समर सिंह एगो फिल्म खाती 8 से 10 लाख रुपया ले मिले। जी हाँ भैया, 8 से 10 लाख रुपया ले मिले समर सिंह जी। अब बात कर जाओ प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव जो कि तकरीबन 5 से ज्यादा फिल्म में काम कर चुकल बाड़े, और कई गो फिल्म पर साइन भी कैले बाड़े। और आप लोग बता दी भैया कि एगो से 2 गो फिल्म जो कि सिनेमा घर में भी रिलीज हो चुकल भैया, जो कि चाना जोर गरम जो कि बड़ा सुपरहिट फिल्म रहे, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा पसंद के नहीं जा, यूट्यूब पर भी ये फिल्म के बहुत बढ़िया व्यू मिलल बा। तो आप लोग बता दी भैया कि प्रमोद प्रेमी यादव भी एगो फिल्म खातिर 8 से 10 लाख रुपया लेवे ले। अब बात कर जाओ रितेश पांडे के बारे में। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि रितेश पांडे जी के भोजपुरी में आजकल नया नया रिकॉर्ड बना रहा बड़े, इनकर गायकी के लोग दीवाना बा, और आजकल इनकर जादू जो की फिल्म में भी चल रहा बा। भोजपुरी के टॉप टॉप हीरोइन के साथ ही काम कर चुकल बड़े, काजल लंगवानी के साथ, अमर बाली दुबे के साथ, अक्षरा सिंह के साथ। और आप लोग बता दी कि इनका फिल्मन के भी बहुत ज्यादा भोजपुरी दर्शक द्वारा प्यार मिलेला, और तकरीबन बैक टू बैक फिल्म के शूटिंग कर रहा बड़े, काहे कि इनका फिल्म मिलत जा रहा बा, काहे कि आजकल इनका भोजपुरी दर्शक में रितेश पांडे के जो की डिमांड बा। और आप लोग बता दी भैया की इहो एगो फिल्म खातिर 8 से 10 लाख रूपया ले मिले रितेश पांडे। अब बात कर जाओ भैया प्रदीप पांडे चिंटू के बारे में। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी की चिंटू जो की कई गो सुपर डुपर हिट फिल्म
फिल्म जो कि भोजपुरी में दे चुकल बाड़े और कई कोई फिल्म के शूटिंग कर रहा बाड़े, कई कोई अपकमिंग फिल्म बाड़ी सब शूटिंग कम्प्लीट हो चुकल बाड़ी सब, बहुत जल्द सिनेमा घर में लगी हन सब। और आप लोग बता दी कि भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारन के साथ भी काम कैले बड़े, बड़े बड़े एक्ट्रेस के साथ भी काम कैले बड़े और इनकर फिल्मन के हर घर में देखल जाला और कई गो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट फिल्म भी दे चुकल बाड़े चिंटू पांडे। तो आप लोग बता दी भैया कि चिंटू पांडे एगो फिल्म खातिर 15 से 20 लाख रुपया ले बेले और आजकल गायकी भी कर रहा बाड़े और इनकर एगो गाना बा पांडे जी का बेटा जो कि 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यू जो कि यूट्यूब पर इनकर गाना के वीडियो के मिलल बा। अब बात कर जाओ भैया अरविंद अकेला कलू के बारे में, जिनकर गायकी के लोग तो दीवाना है नहीं बा लेकिन इनकर फिल्मन के भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करेला और बॉक्स ऑफिस पर कई गो सुपर हिट फिल्म दे चुकल बाड़े और कई गो भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारन के साथ काम भी कैले बाड़े और इनकर फिल्मन के हर घर में देखल जाला। तो आप लोग बता दी भैया कि अरविंद अकेला कलू भी एगो फिल्म खातिर 15 से 20 लाख रुपया ले मिले और आजकल इनकर गायकी के लोग जम के पसंद कर रहा बा, बैक टू बैक हिट गाना दे रहा बाड़े, बैक टू बैक हिट हिट फिल्म दे रहा बाड़े। तो एगो फिल्म का दी कलू भी एगो फिल्म का दी 15 से 20 लाख रुपया ले मिले। अब बात कर लो भैया सुपर स्टार एक्शन स्टार यश मिश्रा जी के बारे में। जी हाँ भैया, यश मिश्रा जी आजकल गायकी भी कर रहा बाड़े, अपन खुद यश एंटरटेनमेंट पर गाना डाले ले, कई गो गाना इनकर हिट भी भइल बा लेकिन इनकर फिल्म के बहुत ज्यादा डिमांड रहेला। पवन सिंह जी के साथ, खेसारी जी के साथ, निरहुआ जी के साथ, सबको के साथ फिल्म के में काम भी कर चुकल बाड़े और बॉक्स ऑफिस पर कई गो फिल्म भी हिट दे चुकल बाड़े। एकरा अलावा भी इनकर फिल्म के काम मिलते रहेला, हमेशा फिल्म में काम करेले और बहुत बढ़िया एंकर भी हवन। तो मिला जुला के एगो बेहतरीन कलाकार हवन यश मिश्रा जी और एगो फिल्म का यश मिश्रा जी जो की 20 से 25 लाख रुपया ले मिले। काहे की भैया आप लोग बता दी कि इनकर फिल्म के बहुत ज्यादा डिमांड होला, ज्यादातर फिल्म में ही काम करेले तो एगो फिल्म का यश मिश्रा जी 20 से 25 लाख रुपया ले मिले। अब बात कर लो भैया भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन जी के बारे में। जी हाँ भैया, रवि किशन जी कई गो सुपर हिट फिल्म दे चुका बारे, भोजपुरी के मेगा स्टार बने इनकर फिल्म मन के हर घरे घरे देखल जाला और जब भी इनकर फिल्म रिलीज होले इनकर फैंस जो बारे तादाद में जाले सिनेमा घर में फिल्म देखा थी और बॉक्स ऑफिस में नया इतिहास रच देवेले रवि किशन जी। तो आप लोग बता दी भैया की रवि किशन जी एगो फिल्म खातिर 40 लाख रुपया लेवेले और आजकल फिल्म में 40 लाख रुपया लेकिन एगो फिल्म करे खातिर रवि किशन जी जो की 40 लाख रुपया ले बेले। अब बात कर जाओ भोजपुरी के आधुनिक फिल्म के जन्मदाता मनोज तिवारी जी के बारे में। जी हाँ भैया, मनोज तिवारी जी के कहीं का बा जब भोजपुरी इंडस्ट्री गिर गई रहे कि वो फिल्म ना देखत रहे भोजपुरी के, तब मनोज तिवारी जी को फिल्म देले ससुरा बड़ा पैसा वाला जो फिल्म के हर घर में देखल गई और कमाई की को नया रिकॉर्ड बना देले रहे फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला। ओकरा बाद जो की भोजपुरी फिल्म जो भोजपुरी उद्योग बा उठल, ओकरा बाद पवन सिंह जी अले, निरहुआ जी अले, खेसारी जी अले, कई गो बड़े बड़े स्टार आके गा के और बड़े इंडस्ट्रीज बनाओ लोग लेकिन मनोज तिवारी जी के भोजपुरी फिल्म के आधुनिक जन्मदाता कहल जाला। तो आप लोग बता दी भैया कि मनोज तिवारी जी अब साफ तौर पर फिल्म में काम कर बंद कर दिले बड़े, काहे कि भैया दिल्ली के जो कि एमपी बाड़े और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी बाड़े और फिलहाल में जो चुनाव होके जा रहा बा तो भाजपा के तरफ से सीएम के भी उम्मीदवार मानल जा रहा बा, नाम घोषित नहीं के भाई लेकिन उम्मीदवार इनका के मानल जा रहा बा। तो फिल्म में अब काम कर बंद कर दिले बड़े मनोज तिवारी जी लेकिन भैया आप लोग बता दी कि एगो फिल्म खातिर मनोज तिवारी जी भी 40 लाख रुपया ले बेले और साथ ही साथ आप लोग बता दी कि एगो जब फिल्म करियन तो पूरा फिल्म में इनका रोल ना रहेला, फिल्म में तकरीबन 20-25 मिनट के रोल रहेला लेकिन वही खातिर 40 लाख रुपया ले बेले मनोज तिवारी जी। बात कर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में जो कि भोजपुरी के बॉक्स ऑफिस पर कई गो बेहतरीन बेहतरीन फिल्म दे चुकल बाड़े और इतना बड़ बड़ रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर बनेले बड़े जेकर आवे वाला सुपरस्टार लोग रिकॉर्ड तोड़े की कोशिश कर रहा बा लोग और यूट्यूब पर भी इनकर कई गो फिल्म जो कि 100 मिलियन से ज्यादा व्यू मिल चुकल बा, 150 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब पर इनकर फिल्म के व्यू मिल चुकल बा। तो आप लोग के बता दी भैया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एगो फिल्म करे खातिर 40 से 45 लाख रुपया ले बेले
और एकरा साथ ही स्टार साथ ही याद नहीं रहूंगा ये जो फिल्म जितना में से कमाल ही सब फिल्म ओ में से प्रॉफिट भी ले बेले। जी हाँ भी आप लोग बता दी कि बहुत कम दूसरा के प्रोडक्शन में काम करे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, ज्यादातर अपने प्रोडक्शन में काम करे ले, हाँ, लेकिन दूसरा के प्रोडक्शन में भी जब काम करे ले तो फिल्म के कमाई में से प्रॉफिट शेयर करे ले। जी हाँ भी आप लोग बता दी जैसे की अपन चार्ज तो लेबे करी हन, अपन चार्ज में से कुछ घटा देवे ले, ओकर अलावा जो फिल्म में खर्चा आई अपना तरफ से भी दे के फिल्म बनावे ले, यही सिंगर कम पैसा लेवे 40 से 45 लाख रुपया लेवे ले अपन चार्ज करे ले, एकरा अलावा प्रॉफिट शेयर भी लेवे ले दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। अब बात के लिए भैया भोजपुरी के चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, आजकल भोजपुरी में सबसे ज्यादा डिमांड है खेसारी लाल यादव के बाद। और आप लोग बता दें भैया कि खेसारी लाल यादव के पंचुअल हीरो कहल जला कि समय पर हर काम कर देवे ले खेसारी लाल यादव। जब फिल्म के 25 दिन के शूटिंग हुई ओकरा के 20 दिन में कंप्लीट कर देवे ले खेसारी लाल यादव। और ज्यादातर अक्षय कुमार या कॉमेडी होली सा या पारिवारिक फिल्म होली सा जो फिल्म के जल्दी शूटिंग हो जला। जी हाँ भैया जल्दी शूटिंग हो जला, 20 से 21 दिन में फिल्म के शूटिंग कंप्लीट कर गए खेसारी लाल यादव जी, जो कि दूसरा का फिल्म में लाग जाले। एगो फिल्म खाती खेसारी लाल यादव जी तकरीबन 50 से 55 लाख रुपया ले बेले। अब बात कर जाओ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जी हाँ भैया आप लोग बता दी कि पवन सिंह ज्यादातर जो कि एक्शन फिल्म करेले और एक्शन फिल्म में ज्यादा टाइम लगेला। जी हाँ भी आप लोग बता दी कि जहाँ पर खेसारी जी अपन फिल्म 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर लेवेले, काहे कि ज्यादातर उनकर फिल्म सोशल मैसेज वाली होली सब परिवार होली सब जल्दी वो फिल्म का शूटिंग कम्प्लीट हो जाला। ओका बाद खेसारी जी जो कि दूसरा फिल्म पर जाके अपन काम करे लगेले, वो ये पवन सिंह के फिल्म कम्प्लीट करे खातिर तकरीबन 25 से 30 दिन लग जाला। यही से एगो फिल्म पवन सिंह की जो की 60 से 65 लाख रुपया ले बेले। जी हाँ भैया 60 से 65 लाख रुपया ले बेले। और आप लोग बता दें कि एहू में कैटेगरी बा जोन फिल्म के कम दिन में शूटिंग कम्प्लीट हो गए बा ओकरा खाली 60 लाख रुपया ले बेले, और जोन फिल्म के ज्यादा दिन में शूटिंग कम्प्लीट होके वाला बा ओकरा खाती 65 लाख रुपया ले बेले। और आप लोग बता दें भैया कि फिल्म क्रिक फाइटर खाती पावर स्टार पवन सिंह जी 80 लाख रुपया ले ले रहन, काहे कि आप लोग बता दी कि वो फिल्म के शूटिंग 2 महीना में कम्प्लीट भई रहे क्रिक फाइटर के, ओकरा खाती पावर स्टार पवन सिंह 80 लाख रुपया ले ले रहन। तो पवन सिंह ज्यादातर एक्शन फिल्म करे ले जोना में एक फिल्म में शूटिंग करे में बहुत दिन लगेला, यही से एगो फिल्म खाती पावर स्टार पवन सिंह 60 से 65 लाख रुपया चार्ज करे ले। तो भैया आप लोग के ये पूरा रिपोर्ट कैसा लागल अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा, और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा कि सब लोगों के पास पहुंच जाए कि वो लोग के चाहते सुपरस्टार एगो फिल्म खाती कितना लाख रुपया लेवे ला लोग। और साथ ही साथ भैया भोजपुरी भाषा के नंबर वन न्यूज चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा, अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा और घंटी वाला बटन दबा लीजिए भैया बेल आइकन के कि कोनो वीडियो हम डाली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिला था अगला वीडियो में एक नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। ओके सो यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म, एंड अभी हमें पता चला है कि कौन से एक्टर्स किस मूवी के लिए, मतलब सॉरी मूवीज़ के लिए कितना चार्ज करते हैं, है ना, कितना चार्ज करते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि भोजपुरी की जो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ होती हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ होती हैं वो 20 से 25 दिन एक महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर। जो ज़्यादा टेक्निकल मतलब चीज़ें जिसमें होती हैं या फाइट सीन्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, एक्शन मूवीज़ होती हैं, है ना, वो कोई भी एक्टर कर रहा हो वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, है ना। जैसा कि बॉलीवुड में है अक्षय कुमार हैं, वो एक साल में चार चार पाँच पाँच फिल्में करते हैं, है ना। तो आजकल तो यार उनकी मूवी बहुत ज़्यादा घिसीपिटी हो गई हैं, है ना, लेकिन रिकॉर्ड रहा है उनका कि वो हमेशा टाइम के पंक्चुअल रहे हैं, टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे, और टाइम से अपनी मूवीज़ को ख़त्म करना है बिल्कुल परफेक्ट टाइम में, 2-3 महीने में वो अपनी मूवीज़ ख़त्म कर देते थे चाहे जितनी टेक्निकलिटी हो उसमें, है ना। सो वैसे ही यहाँ पे खेसारी लाल भैया हैं कि हाँ वो भी टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल हैं, और क्या बोलते हैं, जहाँ 25-30 दिन में मूवीज़ को ख़त्म होना होता है, मतलब एक एवरेज टाइम लगाया जाता है कि इतने टाइम में मूवीज़ ख़त्म होंगी, ठीक है, शूटिंग वगैरह, लेकिन वो पहले ही ख़त्म कर देते हैं, तो इसे कहते हैं टाइम की पंक्चुअलिटी। हर रोज़ नया गाना आता है खेसारी लाल का, है ना, तो इसे कहते हैं यार हार्ड वर्क कहते हैं इसे। अभी यहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह, वो भी अपने तरीके में, उनका हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा सराहनीय है यार,
क्योंकि 2 महीने में पिक्चर वो कंप्लीट करते हैं, जो भी उनके पिक्चर्स में फाइट सीन ज़्यादा होते हैं है ना, एक्शन सीक्वेंस ज़्यादा होते हैं, तो उन एक्शन सीक्वेंसेस को मतलब फिल्माने में और उन्हें सही तरीके से एडिट करने में, लगाने में काफ़ी टाइम लगता है ना, एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, डबिंग में टाइम लगता है, इसलिए उनकी मूवीज़ 2 महीने में 1.5-2 महीने में ख़त्म होती हैं है ना। सो उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज भी वाकई ज़्यादा लगेगा, जब एक इंसान ज़्यादा टाइम तक मेहनत कर रहा है तो वो उसका चार्ज भी लेता है ना। सो इस तरीके से यहाँ पर सभी एक्टर्स का एक ग्रेड बताया गया है, पे स्केल बताया गया है कि हाँ इतना ये लोग मूवीज़ के लिए चार्ज करते हैं। एक और वीडियो मैंने की थी भोजपुरी फैंस क्लब की, उसमें बताया गया था कि एक सॉन्ग्स के लिए कितना चार्ज करते हैं ना, एक सॉन्ग पर सॉन्ग को कितना एक्टर्स और सिंगर्स ये चार्ज करते हैं। तो वो वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।